है सह्याद्री कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है, जो है घाटकोपर वेस्ट में। ये एक स्लम एरिया है। यहाँ के लोगों का और सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स का कहना है कि गवर्नमेंट इनको कुछ इश्यूज है जिसमें बहुत तकलीफें दे रही है। आइए मिलते हैं यहाँ के चेयरमैन से और देखते हैं कि गवर्नमेंट इनको क्या क्या इश्यूज दे रही है। यहाँ पे कम से कम 8-10 हज़ार लोगों की ये स्लम है, उनमें से 500 लोगों की जो हमारा सह्याद्री कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने रीडेवलपमेंट ने हमने प्लान डाला हुआ है। हमारे जो विकासक है और बिल्कॉम, इन्होंने अच्छा स्पीड से वो काम पूरा किया है। NHR 2 वगैरह हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसा एंट्री का प्रॉब्लम है, हाइट का इश्यू है, वो एयरेशन डिपार्टमेंट हाइट का के लिए कुछ मदद नहीं कर रही है। फिर गवर्नमेंट भी इतना खास तरफ से हमें कुछ मदद नहीं कर रहा है, और लोगों की तो पूरा कोऑपरेशन 98% हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं। हमारे स्थानिक जो नगर सेवक है वो अच्छा मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको मतलब इधर आते हैं कुछ विजिट करते हैं। ये अभी एंट्री का जो दीवार गिर गया है, ये डिफेंस का है, डिफेंस की तरफ से हमें वो फिर से बनाने के लिए मना कर दिया है, तो फिर लोग आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। दीवार अभी हो गया 8-10 दिन हो गया है, तो हमारे स्थानीय नगर सेवक थे, उन्होंने उनको मतलब इधर आए थे डिफेंस के ऑफिसर, उनके साथ में मीटिंग किया है, और लेकिन डिफेंस बनने को नहीं दे रहे हमें। वो बोलते हम बनाएंगे, वो कभी बनाएंगे उसका उसको ठिकाना नहीं है, ये बात है। यहाँ दीवार तरने के अभी देखिए आप, ये इतना स्लोप हो गया है, ये 4-5 रूम तो कभी भी गिर सकते हैं, और उनमें से ऐसे यहाँ से बाल बच्चे स्टूडेंट कितना लोग यहाँ से आ जा करते हैं, लेकिन वो कभी ये रूम गिर सकता है और जान भी जा सकते हैं 8-10 लोगों की, ऐसा है। तो रात को बारिश भी होता है, लोग डरते हैं, डरते तो जाएंगे कहाँ फिर लोग, ऐसा है, रास्ता दूसरा कुछ है नहीं, ये प्रॉब्लम्स है यहाँ से। ग्राउंड में हम अपील ये करना चाहिए, हमको एंट्री दे देवे, हमारा एंट्री से काम ये रुका, असलम रीडेवलपमेंट काम रुक चुका है, तो एंट्री दे देवे, और एयर एविएशन डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल हमें कुछ मानता ही नहीं, तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन कम करे, वो हम हाइट का परमिशन दे देवे कम से कम 7 माले का, तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, हम लोग आसानी से रह सकते हैं। यहाँ का बड़ी समस्या, हाँ हाँ वो बड़े अच्छे आदमी है बिल्डर, हमेशा आते हैं, जब जब हम बुलाते हैं बिल्डर आते हैं, हमको कोऑपरेट करते हैं। प्रॉब्लम जो उनका नाम है अमित लखनपाल, अमित जी लखनपाल है, अच्छे है, मतलब है काम अच्छा स्पीड से ले लिया है। NHR 2 हो गया है, अभी ड्राफ्ट LOI आ चुका है, अभी रिवाइज्ड LOI अभी आ जाएगा। उनके तरफ से अच्छा सपोर्ट आता है हमें, जो जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व करते हैं आसानी, मतलब कोई तकलीफ नहीं, टेनेंट को कोई तकलीफ नहीं, अच्छा है। इसी विषय में हमें और जानकारी देंगे इनके सोसाइटी के सेक्रेटरी। यहाँ पे लोग रहते कम से कम 2,500-3,000 घर है तो है, और यहाँ से लोग जाते, लेकिन हमारे जो स्कीम में 550 लोगों का हमारा सह्याद्री कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम चल रहा है, और अभी हमारे चेयरमैन ने बताया कि वो बिल्डर से वो तो विकासक अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन आने जाने के वास्ते यहाँ पे रास्ता नहीं है। जब ये बारिश में दीवार गिरा तब यहाँ के लोग स्थानीय कारपोरेटर के पास गए थे, वो खुद वहाँ पे उन्होंने वो मेंबर्स है, अपना वार्ड का प्रभाग समिति के अध्यक्ष है सुरेश जी पाटिल, उन्होंने वो लोगों को विजिट लेकर, डिफेंस के लोगों को विजिट लेकर बताया बाबा ये ऐसा ऐसा ये दीवार गिरा है। गिरने के बाद उन्होंने फिर ऑफिस में अपने बुलाया था, ऑफिस में बुलाने के बाद बोले देखो आप दीवार डाल के दे दो, नहीं तो क्योंकि अभी कारपोरेटर का फंड अब तक आया नहीं है, पूरा आया नहीं है फंड, इसके वजह से वो बोले कि देखो अगर आप डालते हो तो बोलो, नहीं तो हम कैसा भी करके लोगों का समझ से छुड़ाता हूँ। वो नहीं बोले, वो दीवार हम डालेंगे, और इन लोगों से अगर अपन और ढंग से बात करेंगे तो वो बोलते हैं ये जगह हमारी है, तुम्हारा रूम है, वो रूम उठाओ और रास्ता करो, ऐसा वैसा उनसे बोल रहे, लेकिन कारपोरेटर बहुत धैर्य से उनसे बात कर रहा है कि बाबा आप दीवार बांध के दे दो, बाकी जो का जो रास्ते का काम करने का वो मैं खुद करता हूँ। और दूसरी बात मैडम इसी है, यहाँ पर देखिए अभी हमारे बिल्डर जो काम कर रहे हैं उनको एंट्री देखे, क्योंकि ये सब पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया का मटेरियल उठाना लेके जाना लाना उनको तकलीफ हो रहा है, और ये जगह है ये सब डिफेंस की जगह है, अगर डिफेंस हम लोगों के ऊपर मेहरबानी कर देवे तो यहाँ का समस्या लोगों का छूट जाएगा, और यहाँ की जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज देखिए आप आजू बाजू में लोग सब कचरा फेंक रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, अगर 10-20 फुट का रास्ता दे देवे तो हमारा भी समस्या जिंदगी का छूट जावे,
ये डिफेंस का जगह है, वैसे ही पढ़े लिए, और डिफेंस के लोग जब वो कहेंगे तब वो देवर का काम करे, तब तक तो कितना आदमी मरेंगे, किसका पैर टूटेगा, कुछ होगा, गिरेगा कुछ, वो मालूम नहीं होगे। अभी स्कूल के बच्चे पूरे पहाड़ के 10,000 झोपड़े वाले का लोग जो है तो यहीं से आते जाते हैं, वैसे वो बाइक भी वहाँ रास्ते पे खड़े करते हैं, आने जाने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये रास्ते के वजह से। इसके लिए एक हम विनंती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल वाले आप थोड़ा इसका पीछे, इसके पीछे लग के ये लोगों का समस्या है वो थोड़ा दूर कीजिए, क्योंकि हमारा भी घर बच जावे, लोगों का आना जाना भी अच्छा तरीके से हो जावे। अभी यहाँ नॉर्थ बॉम्बे स्कूल है, दूसरा BMC का स्कूल है, KVK स्कूल है, और 10 स्कूल आजू बाजू में, तो पूरे पहाड़ के बच्चे यहाँ से जाते, वो हमारे शरीर के बुढ़े आदमी भी यहाँ से जाते हैं, कोई दवा पानी करने के वास्ते लोगों को यहाँ आना जाना बहुत तकलीफ हो रहा है। इसके वजह से अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे और वो थोड़ा मेहरबानी करें डिफेंस वाले, तो हमेशा हमारी समस्या छूट जावे और लोगों का यहाँ का आना जाना सब अच्छे तरह से चल जावे, और हमारा बिल्डिंग प्रपोजल भी हो जावे, ऐसा एक हम भगवान के चरण पे प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम मारुति नाना सालस्कर, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, जो हमारा 550 मेंबर है उनका मैं सेक्रेटरी हूँ, और हमारा विकासक है वो अच्छा आदमी है, कभी हम लोग बुलाते हैं, कभी बोलते हैं, तब वो तुरंत आ जाता है। अभी भी वो बोले अगर ऐसे बात है तो बोलो हम थोड़ा मटेरियल दिलवाते, हम यह लोगों का जो समस्या है वो छोड़ने के लिए आप लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, आजकल कानून आड़ा आ रहा है वो अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, ऐसी बात है, यही हमारा एक लोगों की यहाँ की समस्या है। आमच्या झोपडपट्टी मध्ये जे काय मिलिटरीचं गव्हर्नमेंटची जी जागा आहे आणि ते बांधलेलं दिवाळ आज पडलेलं आहे, समस्या लोकांच्या एवढ्याच आहेत की रस्ता आज बंद आहे, इथून येणारे जाणारे लोक पुष्कळ जवळजवळ, मला वाटतं की वरपर्यंत खंडोबाच्या मंदिरापर्यंत जवळजवळ 10,000 ते 12,000 लोकांचा नेहमीचा रहिवास, कामावर जाणं येणं, गाडीवरती जाणं, मार्केटला जाणं वगैरे, स्त्री पुरुष आणि शाळेतली मुलं यांचा प्रवास आहे, आणि त्यांना एवढी तकलीफ होत आहे, तर आज ते स्वतः कुणी जर पाहिलं गव्हर्नमेंट तर लक्ष देणार नाही, कारण ती मिलिटरी आहे, त्यांना माहिती आहे की काय झालं, बॉम्बस्फोट झाला की गोळ्या मारायच्या, परंतु लोक इथे राहतात ते मराठी या राज्यातले या देशातले लोक राहतात आणि ते झोपडवासी रहिवासी आहेत, यांच्याकडे ते लक्ष कधीच देणार नाही, फक्त आम्ही जे करतो आहे ते करून देत नाही, स्वतःही करत नाहीत, करतो म्हणून सांगणार पण केव्हा तरी करून त्याचा काय उपयोग नाही, या ठिकाणी नुकसान होणार आहे, आणि ते करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जे काय 2-4 सोसायटीतले लोक जवळजवळ 6 सोसायट्या होतील, 9 दत्तात्रेय नगरपासून सेवानगरपर्यंत 2-3 सोसायटी आमच्या 5 सोसायट्याचे बिल्डर प्रोफेसरमध्ये गेले आहेत, आमचा बिल्डर चांगला आहे आणि आमचं काम करून देण्यापैकी नाही, प्रॉब्लेम एवढाच झालेला आहे की तो रस्त्याचा, रस्त्यामुळे आमचं काम रोकआउट झालेलं आहे, 3-4 वर्ष झालेली आहेत ह्या कामासाठी, आणि तो जर रस्ता आम्हाला मिळाला असता तर जरूर आमचा बिल्डर आमच्या झोपड्या कुठं ना कुठं स्थायिक करून आम्हाला कुठे ना कुठंतरी सहारा देऊन या ठिकाणी आमची घरं बांधली गेली असती, आम्ही चांगल्या घरात गेलो असतो, परंतु ह्या गव्हर्नमेंटच्या अडवणुकीमुळं आज आमचा नाविलाज झालेला आहे, तर याचा विचार आपण करावा। मेरा अभी घर के सामने एक दीवार गिरा हुआ है, वो अभी काम रुका हुआ है, गवर्नमेंट ने रुका के दिया है, अभी मेरा घर भी गिरने वाला था, वो लोग ने बोला घर खाली करके दूसरी जगह पे जाओ रहने को, हम लोग ये हालत में घर छोड़ के हम लोग किधर जाएंगे, हम लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, हम लोग भी स्कूल में जाते हैं बच्चे, हम लोग भी लंबा पड़ता है, अभी इधर छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, कितने सारे आते जाते हैं, पब्लिक लोग अभी क्या करेंगे, अभी रात को भी कितना परेशानी होता है, लाइट नहीं रहता है कभी, इधर सारा दीवार गिरा है, अभी बच्चों को भी गिरने का डर लगता है, स्टूडेंट आते हैं, काम धंधे वाले सब लोग आदमी लोग लेडीज सब जाते हैं इधर से, कितना सारा प्रॉब्लम होता है, हम लोग को इतना गुजारिश है कि हम लोग का जल्द से जल्द ये काम, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हम लोग का कि जल्द से जल्द ये काम संपूर्ण तरह से हम लोग को मिले और सहाय मिले आपका, इतना हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से।